किसानों के लाने कैसे अच्छे हुए गौपालकों पालकों के लाने कैसे अच्छो हुए और खास तौर से जो दूध उत्पादन कर रहे हैं लोग उनके लिए कैसा कैसे अच्छो हुए वो के लाने समय समय बीच में हमारे निर्देश मिलत रहे थे पशुपालक पशुधन को मतलब पाल रहे गौ माता को पाल रहे दूध निकाल रहे फिर वो सड़क पे छोड़ दे रहे पहले, तो, पहले वो ऐसा होते ना कांजी हाउस होते हैं तो कांजी हाउस में पैसा लगाते जिसमें पेड़ दई को उन्होंने तो कांजी हाउस में पैसा लगाया उसके बाद में वो छोड़ा पा है वो तो अब कुछ ऐसी व्यवस्था करने पर है बुंदेलखंड में भी हम अभी जैसे सागर हमारा चल ही रहा है उसको और विस्तार से करने की हम लोग बातचीत कर रहे हैं अभी हमने बुलाया था कल उनको एम डी को वहाँ के सी ओ कहते जिसको कि भाई और हमारे लोगों को कैसा फ़ायदा भैया रहो राम राम नमस्कार हमें तो चिन्हते हुई हो नाम है हमारा सचिन चौधरी और आज हमारे संग है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल जी जो जिनके पास ऐसा विभाग है जी को सेवा को विभाग खास तौर से कई जात है पशुपालन विभाग और संगे डेयरी को जो विभाग है और मध्य प्रदेश में गौ पालन को लेकर जी तरीके की लगातार घोषणाएँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ले आ रहे हैं तो पूरे विभाग के तमाम सारे कामों के बारे में और फिलहाल मंत्री बनबे के बाद इतने दिना में उनको कैसो अनुभव रही पे चर्चा करें भैया राम राम जय राम जी की भैया राम राम भैया जय बताओ जो है लंबो टाइम हो जा रहा हो क्यों महीना तो हो ही गए जो छह महीना छह तो कैसो अनुभव अभी तक को अपने विभाग देखने को मिले अपन अच्छा है कुछ दोनों मिली जुली प्रतिक्रिया है क्योंकि विषय जो विषय है गयों का विषय है सो पूरे सब जगह एक समस्या तो है ही गैयों की जो सड़कों पे छोड़ रहे हैं आदमी तो बाइक समस्या है ही है कई बार घटना दुर्घटना भी हो जाती है हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी इनका हमेशा से इस विषय पर रहा है कि इसको कैसे और अच्छे से अच्छा कर सकें तो किसानों के लाने कैसे अच्छे हुए गौ पालकों के लाने कैसे अच्छे होए हुए और ख़ास तौर से जो दूध उत्पादन कर रहे हैं लोग उनके लिए कैसा कैसे अच्छा हो वो के लाने समय समय बीच में हमारा निर्देश मिलते रहते हैं और अब जैसे आपने देखो ये कि पेलों गयों के लाने जो गऊशालाएँ हैं लगभग इक्कीस सौ नब्बे गौशालाएँ अभी हमारी चल रही हैं जो रजिस्टर्ड हैं वैसे ही जो अलग चला रहे अभी अलग हैं तो पहले तो बीस रुपया देते सरकार की तरफ से बीस रुपया, रुपया मिलत तो प्रति गाय प्रतिदिन अब वो खूँ बढ़ा के डॉक्टर मोहन यादव जी ने चालीस रुपया प्रति गाय प्रतिदिन कर दो हालांकि अभी हमने एक दिन जा भी कही कि दस गइयों से ऊपर ही है तो भी हम उसको उस दायरे में लाएंगे अब कल बैठक में चर्चा होगी तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि कैसो कहाँ बनाऊं नई को कि दस गइयों को कहाँ होने तो काफ़ी अच्छे से काम मतलब हो रहा है और अच्छा भी लग रहा हो लेकिन अब समस्या बहुत बड़ी है का है पशुपालक जो नो जो पाले हैं गयों हों लेकिन दूध के छोड़ दे तो बे ज़्यादा दिखती जितनी बेसहारा गैया नहीं हैं उससे ज़्यादा बे दिखती हैं जो पाले हैं अभी जैसे हमारो उठावे को काम करो कई जिलों में तो फिर भी आ जा तो भैया जब जा हम आइए जाने ले जाइयो भैया जा आप किया तो घरे धरो घरे बांधो वो खुआ पे और चरा पे और सब कुछ करो तो अच्छा है लेकिन अब क्या करे था अब आदमों की मानसिकता तो है ऐसी हो गई है तो हम तो आपके माध्यम से भी कहो चाहत कि भैया सब जने जितने पाल रहे हैं इनको दूध ले खा रहे हैं उनको अच्छे से रखें अच्छे से खुआएं पियाए छोड़ दें सड़क पे। भाई कई बार कई दारे जो होते ना कि गैया तो घायल हो ही जात कई परिवार के लोग भी उजड़ जात कई परिवार उजड़ जात हाथ पांव टूट जात कई बार एक तो अब हमारी भाव ऐसों के कभी गिरे सो अबे तक तीन महीना से भी होश भी तो ऐसी घटनाएँ भी हो जाती हैं तो लगे हैं और काम करवे लगे हैं काम करवे लगे लेकिन खास तौर से गौशालाएं जो हैं प्रदेश में चाहे शासकीय स्तर पे चल रही हों या संस्थाओं के स्तर पे चल रही हों उनके हाल भी बहुत अच्छे नहीं हैं कभी लोग तो बहुत ईमानदारी से सेवा करते हैं लेकिन कई जगह जो है बहुत शिकायतें आती हैं आज भोपाल में भी आज एक जो है नगर निगम द्वारा संचालित तो गौशाला को वीडियो आओ ऐसी आम तौर पर शिकायतें आती हैं तो इन शिकायतों पर कार्रवाई करवे के लाने या इन पर अनुदान सरकार दे रही लेकिन संग ऊपर नज़र भी रखे ई के लाने का विशेष अब देखो जो तो अपन को पता है कि कमी बहुत सी है स्टाफ की की भी कमी है और वैसे गौशालाएं अब हमने देखो कि जब से चालीस रुपया करे हैं हालांकि अब डर शुरू अभी बार से हुई हैं लेकिन इंटरेस्ट लोगों को बहुत बढ़ गई में है के गुह में हालांकि पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से गौ सेवा से करत ये दैव दैद वाले हैं लगभग 160 सौ साठ गौशालाएँ तो चला रहे हैं अच्छी चला रहे हैं कछु संत महात्मा हैं बहुत अच्छी चला रहे हैं कछु अब और लोग भी कछु लोग जिनको भाव अच्छो रहे तो बिकरत अच्छे से हैं अब थोड़ा राशि भी अच्छी मिलने लगी तो अब तो ना सुविधाएँ भी और सुधार हैं ऐसा हमें पूरा विश्वास है जो जहाँ तक आपने जब कल बात अभी बात करी कल परसों की आसरा जो जगह है उसकी वो नगर निगम के द्वारा संचालित है वहाँ सारी व्यवस्था नगर निगम को करना है हम लोग तो सिर्फ इलाज उपलब्ध कराते हैं उनकी वो जो देखभाल है वो सब नगर निगम को उनका चारा पूरे की व्यवस्था नगर निगम को उनको उठावे लावे ले जावे की सारी व्यवस्था जरा नगर निगम हो करने है अब वो तरह ऐसो है कि शहर में तरह का आदमी तो कम ध्यान देते हैं हालांकि बड़ी दुखद हमने देखा जो वीडियो बड़ा दुखद था कि गौ माता को बिल्कुल बेसहारा छोड़ के चले गए और इसमें दुखद बात यह है कि उस पर बहुत अच्छे से देखरेख नहीं हुई जिसमें अब कल हमारे प्रमुख सचिव और आज हम लोग सब बैठ के और उस पर किया है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर भी करेंगे नगर निगम को भी लिखेंगे हमारी अगर गौशालाएँ होंगी तो उनके उनके खिलाफ भी कार्रवाई जैसे एक कोई जो हमने आपको बात कही कि जिससे सरकार जितने अनुदान दे रही खास तौर से होते तो सरकार को हस्तक्षेप हो ही सकता तो उनकी समय समय पे जांच हो उनकी जो है औचक निरीक्षण हो ऐसी कोई योजना है कि जिसे कम से कम जो सरकार अनुदान दे रही तो वो पैसा गौ गौ माता तक या आप बाकी जो पशुओं तक पहुँच रहा हो आपको बिल्कुल सांची साँची बताएं जो को मन से चला रहे उन्हें तो ना अनुदान की चिंता आया है ना कछु की चिंता है बे तो गायों की सेवा में लगे हैं लेकिन जौन कछु ऐसे भी चला रहे कि ऐसे अपन की व्यवस्था हुई है तो बे ऐसे लोग तो परेशान रहता ही और अच्छे ध्यान दे हैं हमारे हालाँकि हमारे भी जाते हैं निरीक्षण कराते हैं देखा थे कहूँ कोई गड़बड़ी दिखा तो कहे थे अभी हम जैसे बसावन मामा रीवा गए थे तो बसावन मामा गए थे बहुत अच्छे तरीके से चल रही वो बहुत अच्छे तरीके से मानी हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी उसका संचालन भली भांति अच्छे से कर रहे हैं और उनने सारा सारी व्यवस्था बिना सरकार के दूसरे सोर्स से व्यवस्था करके बड़ी सड़कें बनाई दस किलोमीटर अंदर लगभग आठ दस किलोमीटर की बहुत सारे सैड हैं और गैया भी बड़ी हेल्थ से ही पता लगता है कि कितनी चिंता कर रहे हैं उनकी गहियों की हेल्थ ही देख के समझ में आ जाते हैं कि जो लोग अच्छो भाव से काम कर रहे हैं और जो पशुधन खासतौर से गौ वंश जो है सड़कों पे है नेशनल हाईवे पे जैसे आपने की लगातार दुर्घटनाएं हो रही को योजना तो मतलब केवल गौशालाएं बना वही एकमात्र विकल्प है या उको, उको तरीका कछु इतने दिन में आपको समझ में आओ अधिकारी जनता बहुत सारे लोगों से कही जा हमारे पास उन लोग आऊ तो उनसे भी कहते भैया कोनू आपके पास ऐसा उपाय हो तो बताइए तो बहुत अच्छा तो अब ऐसे एकदम सूदो सूदो इलाज तो उपाय तो नहीं, तो नहीं। को मिलो लेकिन अब हमने जो एक सोची है कि गऊ बने बिहार बना के बड़े बड़े हमने अभी दस जगह के प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिए थे जो अब चूँकि चुनाव आ गया फिर वो ये स्थिति आ गई तो बहुत उस पर चर्चा नहीं हो पाई अब हम एक दो दिन में दिल्ली जा रहे हैं जो नए मंत्री बने हैं आदरणीय ललन सिंह जी उनसे मिलेंगे भी और उनसे बात भी करें कि जो हमने प्रस्ताव दिए थे गऊ गौ बन्य विहार के उनको स्वीकृति मिल जाए तो जो बड़ी बड़ी जगह हमारे पास दो एकड़ चार एकड़ पाँच एकड़ की ज़मीनें हैं उनको फेंसिंग करके उनमें पानी की व्यवस्था का जो सेड की व्यवस्था कछू खावी चारे पीरी की व्यवस्था और ऐसी व्यवस्था जहाँ पे वन भूमि लगी हो तो वन भूमि लगे होवे से जो हुई है कि वन भूमि में आजकल मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम कर दो कि वन भूमि अगर जहाँ बहुत पेड़ नहीं है तो उतए अभी चारों का के लाने जानवरों को परमिशन दे सका थे तो उते अपन लगे हाथ में तो परमिशन मिल मिले तो उते अपन चारों गायें में शाम को अपने दिन भर ढील नहीं तो चर पी शाम को फिर अपने तय आ जाए तो ऐसे वन्य विहार बड़े बड़े दस दस पंद्रह पंद्रह हज़ार गायों के ऐसे दस हम लोगों ने अभी प्रस्तावित करे हैं जहाँ जैसी मतलब व्यवस्था हो जाएगी तो उसे बहुत कछु समस्या हल हो जाए एक तो जो है दूसरा उपाय जो है कि पशुपालकों को भी कहें और जो बेसहारा हैं उनको गौ गौशालाओं में भिजवाएँ और गौशालाओं की व्यवस्था करें और साथ में जो पहले बनी गौशालाएँ थीं अधूरी पड़ी उनको पूरा करके और उनको फिर उनको संचालन कराने अच्छे लोगों को दे दे जैसे पहले तो जो ही हो तो पंचायत को तो पंचायत ही चले प्राइवेट को तो वही चले अभी तो हम हम और ने सब ने तय कर दो कि अगर पंचायत नहीं चलाओ चाह चाहत को समूह चला वो चाहत या को साधु संत महात्मा चला चाह तो हम भी दे सका और उनको पंजीयन करा के वो राशि जो दूसरों में मिला तो वह राशि उनको भी दे सका और उनमें सब में पाँच पाँच एकड़ जगह भी है लगभग चार से लेकर पाँच एकड़ जगह ऐसी जगह बनी है कि चार पाँच एकड़ जगह भी है उनमें व्यवस्था चारे आरे रे कहीं भी हो सकता ना पानी वानी की व्यवस्था कई जगह नहीं होती सुबह कर रहे हैं और कर रहे हैं बहुत सारी जगह छूट गई थी पशुपालकों पर सख्ती जैसा को फॉर्मूला अपना भी किया आवश्यकता नहीं कि जो पशुपालक पशुधन को मतलब पाल रहे गौ माता को पाल रहे दूध निकाल रहे फिर वो सड़क पर छोड़ दे रहे पहले, तो पहले वो जैसा हो तो ना कांजी हाउस होते तो कांजी हाउस में पैसा लगाते जैसे पेड़ दी को उन्होंने तो कांजी हाउस में पैसा लगाए उसके बाद में वो छोड़ा पाए तो अब कुछ ऐसी व्यवस्था करने पड़े है कि कांजी हाउस की जगह गौ गौशालाओं में भी अगर कोई गैया पहुँच जाए तो उनको बिना पेनाल्टी लगे बिना पैसा लगें बइया छोड़ है ना जैसे अब बताओ आज हमें हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने कि जब हमने अभी गैया उठवाई तो बहुत सारी जगह लोग पहुंचे हैं कि उनको छोड़ दो भैया जहाँ हम आई है तो ऐसे लोगों को बिना पैसा के ना छूटो चाहिए जी वो उनको लगे कि हो भैया हजार दो हजार लग गए तो आप अपनी बाने रहो क्या मान लो हाईवे पे भी जी की मान लो रोड पे एकदम बिठा रहे हैं छोड़ दे कुछ दो कछु दिनों में आपको देखे है जो भाई को ये पे भी कहा समय भी जाने और पैसा भी चाहने, दो ही चीज़ें छाने भाई आज की तारीख में अगर अपन हाँ देखें जो हमारे पास आंकड़ा है, तो करीब दस लाख ऐसे पशु हैं जो बेसहारा तो की श्रेणी में घूम रहे हैं हालांकि भी पूरे नहीं हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो पशुपालकों के हैं लेकिन अब तो देख रहे हैं भी तो ऐसे उनकी व्यवस्था करवा के लाने हम लोगों ने अब जा सोची है कि या तो उन्हीं गाँव में शेड बना दें वो नहीं मनुखों रख रखबे की आदत डल जाए तो शाम को जो सड़क पे आउते हैं गैया अपन जाने थे गैया तो सूखों में बिचाने पानी गिरो सुबह सड़क पे आ गई चार महीने आठ महीने नहीं दिखा महीने ये, चार ही महीना यही चार महीना में दिखती सड़क पे तो या तो उनको ये व्यवस्था करेंगे और नहीं तो फिर गौ के बनाने की बात ही कर रहे साढ़े दस लाख गौवंश लगभग अभी सड़कों पर है अभी मतलब टोटल हमारे पास जिसमें से लगभग तीन लाख अभी हमारे गौशालाओं में है तो अभी भी साढ़े छः सात लाख जो हमारे आंकड़े हैं उनके हिसाब से अभी गौवंश सड़कों पर है अगर ये पशुपालक अपनी सबरी गैया बांध ले में तो ज़्यादा से ज़्यादा तीन लाख समझ लो आपके तीन लाख तो तीन लाख की व्यवस्था करेंगे उतनी कठिनाई नहीं है जितनी कठिनाई सात लाख में है हम आपको बता रहे हैं हमारे अपने मध्य प्रदेश में झाबुआ और अलीराजपुर ऐसा जिला है जहाँ एक भी गैया छूटी नहीं मिले आपको का तोते जो हमारे आदिवासी भाई हैं वो तो सब उसको पालने का काम करते हैं और यहाँ भी कह रहे हैं हम और से अब हमारे मंत्री जी हैं जो नागर सिंह जी भैया एक दिन उनको फोन आओ कह भैया हमें कहीं गैया की व्यवस्था करा दो हमने भैया तुम तो सूची बना लो सब कितनी चाहें दो हजार चार हजार दस हज़ार हमने सब कहूँ नया माया पूरी उठा के और पहुँचावे को काम कर दें तो मैं तो आप कैंप लगा के बांट भी दें और उनको भी भलो हो जाए और इतनी भी समस्या हल हुई है उन्हें नटवा आने से नटवर्क आए होते खेती वे लोग कर रहे जो छोटे छोटे किसान हैं सो वे खेती ज़्यादातर ही से कर हैं तो उनको बे भी मिल और अपनों काम भी हो जाए तो वे कह हम बनवाते हैं सूची तो बहुत जल्दी भी सूची तैयार करा रहे हैं देखा था मोरि में क्या हो सका था आज हमारी प्रमुख सचिव से भी चर्चा हुई तो उनने यही बताया कि भैया इसको तो अपन जो करें उनको व्यवस्थित करा लें और सूची बनवा लें जी में अपन जोन हो दे तो जो हमने फलाने हो नहीं तो ऐसी छोड़ दें जी पकड़ ले लेगा करो तो पता ही ना चले तो सूची बनवा रहे हैं तो कछु समस्या तो मैं भी हल हुई आपके पास एक महत्वपूर्ण डेयरी विभाग भी है डेयरी विभाग जो मध्य प्रदेश में जैसे सांची है सांची के अलावा और भी जो प्रकल्प हैं बुंदेलखंड में और आपके अपने दमो जिला में पथरिया में इससे कछु लाभ जो है देवे की आपकी कोशिश बिल्कुल अब अब हमारे लगे हैं बढ़ावे में आपको जानकारी पहले आदमी हम जो जानकारी दे रहे हैं आपको कल एक हम एन जो हमारी मदर संस्था है जो पूरे देश को करा से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है वो सब के लिए सहयोग करता है डेयरी के लाने तो कल उनको सहमोरों को एक एम हो रहा होमए ऐसा हो रहा हो कि थोड़ी सी एक दो जगह हमारी स्थिति भी ठीक नहीं है जैसे ग्वालियर का हमारा बोर्ड है वो ठीक नहीं है बाकी सब अच्छे हैं जबलपुर थोड़ा वे कमजोर स्थिति में है है ठीक फ़ायदे में है लेकिन वैसा नहीं है कि एकदम जैसे इंदौर जबलपुर भोपाल चल रहे चल रहे वैसा नहीं है तो उनसे इको के भैया हम आपको टेक्निकल आइडिया भी दें हैं जहाँ थोड़ी सुधार की गुंजाइश हम बाबी बते हैं तो ऐसे दो तीन अधिकारी भी वो हम लोगों को दे रहे हैं तो कल उनके चेयरमैन भी आ रहे हैं हमारे पीएस वगैरह सीएम साहब और हम लोग सब लोग रहेंगे उसमें एक बैठक करके और एक ये फैसला किया है कल एम ए यू साइन करेंगे तीनों लोग जिसमें परस्पर हम वो हो सके बीच में हल्ला दो तो कि के वो, वो के संगे हो रहा हो अपने अमूल के संगे हल्ला नहीं था वो मतलब लोगों में चर्चा फैल गई थी कि जब अमूल को जा रहा हो जो हो ऐसों कछू नहीं है साच यही रहे है उनसे हम सलाह मशवरा कर रहे हैं उनसे जो हमें ज़रूरत हुई ये कर रहे हैं और खूँ और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं अब कहा है जैसे जबलपुर है हमारे जबलपुर रीवा शेडोल सिगरौली तक है तो हम लोगों का विचार है कि इसको एक अलग और बनाना पड़ेगा रीबा में तो जो ट्रांसपोर्टिंग में पैसा खर्चा हो लाए जाए में होते वो पैसा अब अच्छे होते ही होते ही तो लोगों को फ़ायदा भी हुई है तो वो भी हम लोग कर रहे हैं उनको और बहुत जल्दी आपको आपके परिणाम भी अच्छे परिणाम देखेंगे फ़ायदा भी डेरी खो है अभी पाँच तो हमारी फ़ायदे में चल ही रही हैं एक ग्वालियर और घाटे में हैं तो ग्वालियर को ठीक करने के लिए हम लोग अब विचार कर रहे हैं कि कैसे उसको ठीक किया जाए और उनसे भी अब हमारे कल बैठे उससे चर्चा करेंगे भैया बताओ को उपाय कैसे अच्छी हुई है जाए अच्छी जैसे भी हुई है वैसे करें क्या हम जो तो कर नहीं सकता है कि वो बंदक बुंद करो अलग करो फुर्सत हो जाओ अगर करेंगे भी तो उसको व्यवस्थित करके फिर से बना के उसको नए तरीके से वो करें बुंदेलखंड क्षेत्र में कछु डेयरी उद्योग से लेकर कछु चीज़ें कर रहे हैं प्लान कर रहे हैं अभी हमारे जो बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं सेंट्रल की और हमारी भी के, उसको भी हम लोग लागू कर रहे हैं जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें तो एक करोड़ की स्कीम है कि एक करोड़ रुपया सरकार बैंक से लोन लो जिसमें पचास लाख रुपया अनुदान भी है उस उसमें तो ऐसे योजनाएँ तो बहुत सारी हैं बुंदेलखंड में भी हम अभी जैसे सागर हमारा चल ही रहा है उसको और विस्तार से करने की हम लोग बातचीत कर रहे हैं अभी हमने बुलाया था कल उनको एम को वहाँ के सी कहते हैं जिसको कि भाई और हमारे लोगों को कैसा फ़ायदा मतलब है कहा नई ये खोल के अपने जैसे छोटे छुट छोटे चिलिंग प्लांट जो रहते ना बीएमसी जिसको बोलते उसको वहाँ लगा करके और वहीं लोगों को काम भी देंगे और वहाँ एक दूध इकट्ठा करके फिर यहाँ चिल्ड करके यहाँ भेज के और उसको प्रोसेस कराने का काम काफ़ी सवाल आपके ज़िला से जुड़ो है ज़िला मुख्यालय को एक मामला लगातार चल रहा है जिला अस्पताल में जो है एक ही बिना जितनी ऑपरेशन भाई चार महिलाओं की मौत और कई और महिलाएं भी गंभीर हैं गंभीर मामला है ये पे कल आपने भी बयान दो तो कछु सख्त कदम पे कछु याँच देखे चार पांच बच्चा अपनी माँ से जो है अलग हो गए बहुत गंभीर चार लोगों की मृत्यु हो गई जो नवविवाहिता थी लगभग किसी की पहली डिलीवरी थी दूसरी नई मतलब प्रसुता, प्रसुता, प्रसुता थी जो उनको बड़ा दुख भी है और जांच भी इसकी गंभीरता से एक टेक्निकल टीम मतलब डॉक्टर्स की टीम अलग कर रही है प्रशासनिक टीम अलग कर रही है और हमें लगता है कि एक या दो दिन में उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी मैंने कल भी कहा था कि रिपोर्ट में जो भी आएगा उस वो अगर दोषी कोई पाया जाएगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा चाहे कोई भी हो हालांकि मुझे ये भी बताया गया कि जिन लोगों ने कल वो उनके ऑपरेशन हुए हैं वो पहले भी 400-500 ऑपरेशन कर चुके हैं सफल ऑपरेशन कर चुके हैं तो अब ये तो डॉक्टर ही बता सकता है कि क्या किस वजह मौत का कारण क्या हो सकता है ऑपरेशन में लापरवाही हो सकती है या दवाइयों की कुछ गड़बड़ी हो सकती या क्या हो सकता है ये तो टेक्निकल टीम बताएगी जो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है चार महिलाओं की मृत्यु हो जाना अपने आप में एक बड़ा संगीन अपराध है और हम बड़े गंभीरता के साथ हम लोग इसको ले रहे हैं कल कलेक्टर ने कलेक्टर ने भी अलग से जांच कमेटी की एक बढ़ाई है सागर के डॉक्टर्स वगैरह भी आए थे उसमें जो भी आएगी रिपोर्ट आएगी उनको बिल्कुल करेंगे हालांकि कछु लोगों ने उड़ा दाओ के वो तो उन्हें कह दी कि सब सही है इनकी कोई गलती नहीं है ऐसा कछु है नहीं है ना उन कुछ कहा है मैंने पूछा था कि ये क्या बात सही है कुल नहीं बिल्कुल नहीं कही जो तो कोई अपने मन से बढ़ा के वो कह दी है चला तो रहे थे जो तो अब थनक बरक नए तो लखन पटेल जी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बुंदेली बोछार ऐसी पूरे तमाम सारे विषयों पर उन्होंने खुलकर चर्चा करी कैमरा मैनिस के, के संगे सचिन चौधरी संगली श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर